26 अक्टूबर को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को दो लड़के जबरदस्ती कार में बिठाकर अगवा करने की कोशिश करते हैं। सामने इंतजार कर रहे उसके माँ और भाई उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। कोशिश में नाकाम हो रहे अपराधी उसके परिजनों को पास आता देख अचानक छात्रा पर गोली चला देते हैं। गोली मारने के तुरंत बाद ही दोनों अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। वारदात के बाद पता चलता है कि अपराधी तौसिफ मुस्लिम परिवार से है, जो छात्रा को काफी समय से परेशान कर रहा था और धर्म परिवर्तन करवा कर शादी का दबाव बना रहा था। वहीं साथ ही पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उन्होंने उससे पहले भी 2018 में मामला दर्ज करवाया था। उस समय भी उसने छात्रा को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मामले को सुलह समझौते से खत्म कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्या में इस्तेमाल अवैध हथियार को भी बरामद कर लिया है। लेकिन इस खौफनाक वारदात से फरीदाबाद का माहौल गर्मा चुका है। पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस घटना पर लोगों का कहना है कि उनका गुस्सा सिर्फ दो अलग अलग समुदाय को लेकर नहीं है, बल्कि लव जिहाद जैसी घटिया साजिश को अंजाम देने को लेकर है। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के बाद पता चला है कि तौसिफ और रेहान जिस I-20 कार से छात्रा की हत्या करने पहुंचे थे, वो दिल्ली के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहीं तौसिफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और साथ ही ये भी बताया है कि उसने निकिता की हत्या कर अपना बदला पूरा किया है। आरोपी ने बताया कि वो निकिता की किसी और से शादी नहीं होने देना चाहता था, लेकिन वो उसकी बात से राजी नहीं थी, जिस बात से परेशान होकर उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर छात्रा को अगवा करने की साजिश रची और छात्रा के न मानने पर उसे गोली मार दी। हिंदू मुस्लिम मामले पर बवाल बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे और साथ ही मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी करवाया है और परिजनों को न्याय देने का पूरा आश्वासन भी दिया। साथ ही प्रशासन ने SIT का गठन कर मामले की जांच करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल तर्कश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।